नमस्कार, मैं सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि एग्जाम्स कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। आप में से कई लोग टेंस भी रहेंगे। मेरा एक ही मैसेज है आपको कि आपसे एक्सपेक्टेशंस आपके माता पिता करेंगे, आपके टीचर्स करेंगे, आपके बाकी के फैमिली मेंबर्स करेंगे, दोस्त करेंगे। जहां भी जाओगे सब पूछेंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कितने परसेंट आपका स्कोर करोगे। यही कहना चाहूंगा मैं कि आप खुद अपने लिए कुछ टारगेट सेट कीजिएगा, किसी और के एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में मत आइएगा। आप मेहनत जरूर कीजिएगा, मगर एक रियलिस्टिक अचीवेबल टारगेट खुद के लिए सेट कीजिए और वो टारगेट अचीव करने के लिए कोशिश करना। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मेरे से भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते थे। पिछले 24 साल में कई सारे कठिन मोमेंट्स आए और कई कई बार अच्छे मोमेंट्स आए, मगर लोगों के एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहते थे और वो बढ़ते ही गए। जैसे समय बीतता गया एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते ही गए। तो इसके लिए मुझे एक सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत जरूरी था। तो मैंने यही सोचा कि मैं मेरे खुद के एक्सपेक्टेशंस रखूंगा और खुद के टारगेट्स सेट करूंगा। अगर वो मेरे खुद के टारगेट्स मैं सेट कर रहा हूं और वो अचीव कर पा रहा हूं, तो मैं जरूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज देश के लिए कर पा रहा हूं। और वो ही टारगेट्स मैं हमेशा अचीव करने की कोशिश करता था। मेरा फोकस रहता था बॉल पे और टारगेट स्लोली स्लोली अचीव होते थे। मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी सोच पॉजिटिव होनी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव सोच को पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉलो करेंगे, तो आप पॉजिटिव जरूर रहिएगा और ऊपर वाला आपको जरूर अच्छे रिजल्ट्स दे, इसकी पूरी उम्मीद है। और आपको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूंगा ये एग्जाम्स के लिए। एक टेंशन फ्री जाके पेपर लिखिए और अच्छे रिजल्ट्स पाइए। गुड लक। दोस्तों, देखा तेंदुलकर जी क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्टेशन के बोझ के नीचे मत दबिए। आप ही को तो आपका भविष्य बनाना है। आप खुद से अपने लक्ष्य को तय करें, खुद ही अपने टारगेट तय करें, मुक्त मन से, मुक्त सोच से, मुक्त सामर्थ्य से। मुझे विश्वास है कि सचिन जी की ये बात